लड़के लड़को व्हाट इज अप। अभी जो आपने गेम प्ले देखा, आप सोच रहे हो कि रॉक एफएफ का गेम प्ले होगा, वाइट ट्रिपल फोर का गेम प्ले होगा, या कोई ऐसा यूट्यूबर होगा बड़ा तो जिसका हेडशॉट मारता होगा टबा टबा और उसका गेम प्ले होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक इंडिया का बंदा है एंड इसका गेम प्ले इक्वल टू जहर है। मतलब बाहर के जो यूट्यूबर है उनके जैसा है, इंडिया में कोई ऐसा बंदा है ना, आप इसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो, क्योंकि एक अंडर रेटेड प्लेयर है जिसका गेम प्ले बहुत ज़्यादा वाला अच्छा है, बट इसको कोई जानता नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई इसके बारे में बताएगा एंड मैं आपको बताऊं कि ये मोबाइल प्लेयर तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपको गो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यार ये मोबाइल प्लेयर ही है और ये ऐसे मोबाइल में खेलता है, आप लोग कहोगे कि भाई ऐसे मोबाइल में खेल के भी और इतने अच्छे हेडशॉट मार रहा है। तो हाँ मेरे भाई, ये पोको के फ़ोन में खेलता है गाइस, पोको के फ़ोन में खेलता है और इसकी सेंसिटिविटी एक्यूरेसी सब तुम लोग देख ली होगी स्टार्टिंग में गेम प्ले में, तो मतलब क्या ही जहर करता है। और हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो फ़ोन में खेलते हैं एंड उनका गेम प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन यार वो ग्रो नहीं कर पा रहे यूट्यूब पे। मेरे को देख लो मेरी तरह, मतलब कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो सकता है। अब तुम रॉक एफएफ को अगर फ़ोन पकड़ा दोगे पोको का हाथ में, उससे बोलोगे कि भाई अब तू टपाटप मार के देगा पूरे स्क्वाड को, हेडशॉट मार के देगा, तो वो मार लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो मार ले, क्योंकि वो पीसी प्लेयर है ना, वो फ़ोन में खेलता नहीं है। तो यार हमारे इंडिया के प्लेयर्स को भी देखा करो तुम लोग, तो मैंने सोचा यार वीडियो बना देते हैं, बहुत सारे लोगों को देखना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में तुमको बता दूंगा टॉप 5 अंडररेटेड प्लेयर ऑफ फ्री फायर, मतलब जो अंडररेटेड प्लेयर है जिनका गेम प्ले बहुत ज़्यादा वाला अच्छा है बट उनको कोई जानता नहीं है, ठीक ठाक सब्सक्राइबर है उनके इतने ज़्यादा नहीं है, तो उनको मैं बताऊंगा। एंड इनमें से कुछ प्लेयर हमारे इंडिया के हैं एंड दो प्लेयर बाहर के हैं, मतलब दो बाहर वाले प्लेयर हैं उनको भी ले लेते हैं यार, जब इंडिया वालों को ले रहे थे उनको भी लिस्ट में ले लेते हैं एंड इन सबको दिखाऊंगा। तो यार वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। एंड एक भाई ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था कि भाई आपका नकली नेम क्या है, तो मैं बता देता हूँ मेरा नकली असली नेम सब ज़ियान ही है, मेरा नाम खाली ज़ियान है गाइस, ज़ियान, ठीक है। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे मेरा अपना नाम चिल गया मैं रखा है, उससे तुम लोग मेरे को जानते हो एंड मैं कमेंट सारे रीड करता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ सभी लोग एक साथ कमेंट कर देना कि कौन से डिवाइस में खेलते हो और तुम्हारा कौन सा फ़ोन, नेम भी लिख देना उसका, क्योंकि आज मैं लो डिवाइस वाले की बात करने वाला हूँ और तुम हाई डिवाइस वाले भी हो तो वो भी लिख। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर दिया, यार तुम तो बहुत पिरो रहे। नंबर 5 पे जो बंदा आता है गाइस उसका नेम है 143FF एंड इस बाय का नाम 143 सुनकर तो मेरे को और कुछ याद आ गया, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, उसका मसला यार उसने नेम रखा है ऐसा, तो कोई बात नहीं। 143FF इस यूट्यूबर का नाम है एंड गाइस जितने भी यूट्यूबर का मैं बता रहा हूँ उनके सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग इस वीडियो के बाद उनकी वीडियोज जाके देख सकते हो एंड उनको सब्सक्राइब भी कर देना यार जाके, क्योंकि मैंने क्रेडिट भी दिया उनको, क्योंकि उनकी वीडियो यूज की थी तो सबको मैंने क्रेडिट भी दिया है। एंड इस बंदे का नाम है 143FF एंड ये ऐसे ही काम करता है जैसे इसका नेम है ना, तो मैं बहुत टाइम से देखता हूँ गाइस इसको, तो इसके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए थे जैसा इसका गेम प्ले है। इसकी मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा वाली जबरदस्त था कि मेरे को फॉरेन के प्लेयर की याद आया थी रॉक एफ एफ वाई ट्रिपल फोर की, इसके गेम प्ले देख के। तो आप लोग इसका गेम प्ले तो जरूर से देखना। और इस भाई के डिवाइस का नाम बता देता हूँ, ये भाई भी खेलता है रेडमी 9 प्रो में, मतलब ये बंदे जितने ही मैं तुमको बता रहा हूँ ना, एक बंदा शायद आईफोन में खेलता है, बाकी सारे बंदे एंड्रॉइड में खेलता है, ये भाई भी रेडमी 9 प्रो में खेलता है। आता है रेडमी 9 प्रो किसी के पास है क्या गाइस, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो कमेंट करके बताना यार तुम में से किसी के पास रेडमी 9 प्रो है, क्योंकि ये बहुत सारे बंदों को देख रहा हूँ मैं रेडमी 9 प्रो में, ऐसा क्या है यार जो बंदे रेडमी 9 प्रो लेके फ्री फायर खेल रहे हैं और बहुत अच्छे हेडशॉट मारते हैं यार, तो पता नहीं। और इस भाई का मैं थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ तुम लोग, यार पहले तो मन ही नहीं कर रहा था मेरा इसका गेम प्ले हटा दूं मैं भाई साहब, क्योंकि इसका गेम प्ले देखे ही जा रहा था मैं, इसका मन करे जा रहा था और देखो इसका गेम प्ले, क्योंकि इसका गेम प्ले देखो तुम लोग भाई साहब, बंदा हेडशॉट के अलावा और कहीं बात ही नहीं करता है, मतलब रैंक मैच हो कस्टम हो कुछ भी हो हेडशॉट ही मार रहा है। तो गाइस इसका चैनल जरूर से चेकआउट करना इस वीडियो के बाद आप लोग जाके, सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि बहुत ओपी खेलता है। एंड हमारे जो गुरु एंड पीरो आदमी जो निकल के आ रहे हैं गाइस 4th नंबर पे, उनका नाम है पागल M10 एंड पागल M10 को बहुत सारे लोग जानते होंगे हमारे यहाँ पे। पागल M10 यार ठीक ठाक है उसकी ऑडियंस, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको सब्सक्राइब भी नहीं करते होंगे लेकिन पागल M10 का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, मेरे को पक्का पता है। तो यार कमेंट करके बताना अगर तुमने पागल M10 का नाम सुन रखा है और सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं वीडियोज़ वगैरह देखेंगे बट सब्सक्राइब नहीं करता है, तो वो सब्सक्राइबर देख के पता लग जाता है पागल M10 के। तो गाइस इस बंदे का गेम प्ले तुम लोग पहले देखो।
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can caught him in the dream. First blood. People talk too much, put the shit in slow motion. I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can caught him in the dream. These people talk too much, put the shit in slow motion. Hey, I feel like an astronaut in the ocean. Double kick. First. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-D. She keep playing me dumb, I'ma play her for fun. Y'all don't even know my mental, let me give you the picture like sense of one. First. The pain was all around, see my mood was kinda down. But I know what's my way, I'm directed. तो देख रहे हो इस बंदे को भाई साहब, इसको कुछ बंदे एम बॉट भी कहते हैं। और एम बॉट कहें क्यों ना, क्योंकि इसका एम मिस ही नहीं होता है। जहां कोई मारेगा एक दो बार मिस हो जाएगा, वन नहीं हेडशॉट ऐसा मारता है। और M10 इसने अपना नेम इसलिए रखा है क्योंकि M10 ही यूज करता है कस्टम वगैरह सब में, और उससे बहुत ही ज्यादा वाले खतरनाक वन टैप मारता है। तो जाके यार इसका चैनल तो जरूर से चेकआउट करना भाई का, एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि ऐसे गेम प्ले वालों को सपोर्ट की बहुत ज्यादा वाला जरूरत है। सपोर्ट की क्या जरूरत है यार, अंडररेटेड में आए, इनके तो 1 मिलियन होने चाहिए थे यार अभी तक। जैसा इन बंदों का गेम प्ले है ना गाइस, इनके अभी तक 1 मिलियन होने चाहिए थे यार। मेरे को तो नहीं पता पब्लिक ऐसा क्यों नहीं सपोर्ट करती है। हमारी फ्री फायर की पब्लिक ही ऐसी है, उसको डायमंड टॉप अप से मतलब है यार, गेम प्ले नहीं देखती है। और गेम प्ले देखेगी तो फॉरेन वालों को देखेगी। अब यार इंडिया में भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छा खेलते हैं, मजा आता है उनका गेम प्ले देखने में, तो तुम लोग देखा करो यार, ऐसे मत क्या करो। तो गाइस अब जो निकल गया था हमारा भाई दी वन एंड ओनली पेड़ो आदमी, वो निकल गया था थर्ड नंबर पे। एक फॉरेन का प्लेयर है गाइस, इस बंदे का नाम है डब्लू जिंग। और डब्लू जिंग इसके नाम पे मजा ना तुम लोग की, नाम ऐसा है तो यार गेम प्ले क्या होगा, नाम पे किसी के मत जाना भाई लोग, क्योंकि इस बंदे का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा वाला जहर है। और ये बंदा आईफोन में खेलता है, तुमको बताया तो ये बंदा आईफोन में खेलता है। मैटर ये नहीं करता कि ये बंदा आईफोन में खेलता है, इसका जो गेम प्ले है ना वो तो भाई पीसी लेवल का है। मतलब फोन में खेलता है, लगता है बंदा पीसी में खेल रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा इसके बारे में, तुम लोग इसका गेम प्ले देख। They never cared, but they knew I could rap. They don't even back. I got a dream, they want some of that. I'd smile. I said, rags, what's that? I got a bus back. Shotty stay on my side, I'm a bus back. I'ma eat out of here, fuck that. Poor leader, it look like a blood bag. In a cut, don't need a bandage. Got no heart, it's my only advantage. All these boys running, doing some damage. Barely breathing, I think I managed. I put in work in the fucking hell. और भाई कैसी लगी, आ गए स्वाद भाई साहब। इस बंदे का गेम प्ले देखा तुमने, मेरे को पता क्या लग रहा है पहले कि वाइट ट्रिपल फोर खेल रहा है, क्योंकि जो बंदा ये खेलता है ना, इसका मूवमेंट और इसका एक्यूरेसी और इसके हेडशॉट देख के मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदा फोन में नहीं पीसी में खेल रहा हो, लेकिन ये बंदा आईफोन 12 में खेलता है बंदा। और फोन प्लेयर है तो फोन प्लेयर को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे को पता है वो वैसी क्वालिटी नहीं दे पाता है जैसे पीसी वाले दे पाते हैं। बट यार फिर भी तुमको देखना चाहिए, क्योंकि बंदा इतना अच्छा हेडशॉट मार रहा है, इतना अच्छा गेम प्ले है, तो यार थोड़ा उसको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तुम लोग वीडियो भी देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये तो गलत बात है ना यार। मेरे को पता है जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनको देखना ज्यादा पसंद करते हो तुम लोग, लेकिन इनको जाके भी यार सब्सक्राइब कर लेना, इनके सबके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। एंड गाइस जो सेकंड नंबर पर जो बंदा दी वन एंड ओनली पीरो आदमी निकल के आ रहा है, फॉरेन से है वो, इंडिया से नहीं है वो बंदा भी फॉरेन का है। एंड उसका नेम है मक्सैदो FF। एंड इस बंदे का नाम पे मत जाना, जैसे मैं पिछली बार बोला था उस बंदे के नाम पे भी मत जाना, इस बंदे के नाम पे भी मत जाना, क्योंकि इनका नाम के जैसे इनका गेम प्ले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा वाला जहर है। एंड ये बंदा भी मोबाइल प्लेयर है, ये बहुत ही खतरनाक खेलता है। एंड ये पूरे स्क्वाड को एक साथ ऐसे टपका देता है जैसे व्हाइट टिपर के चाचा का लौंडा आई है। अब इसका मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आप इसका गेम प्ले देखो। Oh,
हाँ तो तुमको गेम प्ले देख के तो बहुत ही ज्यादा वाला मजा आएगा, तुम लोग करोगे भाई साहब क्या ही मार रहा है। तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा वाला प्रैक्टिस करता है एंड ये बंदा हमेशा की तरह ऐसी मारता है जैसे कि वाइट ट्रिपल फोर रॉक एफ मारता है कस्टम में जाके। एंड इसका तब मैंने गेम प्ले देखा था, मैंने सोचा भाई ऐसे भी बंदे हैं मतलब फ्री फायर कम्युनिटी में और इनके सब्सक्राइबर इतने कम है, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जिस लेवल का इनका गेम प्ले यार, इनको तो मिलियंस में सब्सक्राइबर होने चाहिए थे ना, बट है नहीं यार। तो ऐसा गलत बात है यार, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखना, इनके मजे लेना। एंड जो फर्स्ट नंबर पर हमारा दी वन एंड ओनली पीरो आदमी निकल के आते हैं वो इंडिया का, एंड जो फर्स्ट स्टार्टिंग में तुमको वीडियो दिखाया था वो वही बंदा है, एंड उसके चैनल का नाम है ARKFF। एंड ARK इसके नेम पे मत जाना क्योंकि ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा वाला पीरो आदमी है। एंड इसकी एक और खासियत बताया था मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, पोको के फोन में खेलता है। एंड इसका गेम प्ले इज जस्ट लाइक वाइट ट्रिपल फोर के चाचा का लौंडा लगता है, मेरे को तो ऐसे लगता है क्योंकि ये बनी बंडल पहन के खेलता है। एंड तुम लोग नाम मैं ज्यादा नहीं बोल रहा उसके बारे में, आप लोग पहले इसका गेम प्ले देख लो। तो देखते देखते बंदे ने क्वाड्रा किल मार दिया, तो इसलिए मैं इस बंदे की तारीफ कर रहा था कि पोको के फोन में कोई ऐसा खेल सकता है, पोको के फोन में भी सीरियसली यार। तो गाइस आज के लिए इतना था, मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, ऐसी वीडियो और भी बनाऊंगा, तो यार सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सलाम सरकार नमस्ते गाइस सभी को, बाय बाय बाय।